वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास एलकेजी का मैथ्स। लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट वन एंड क्रॉस द टॉल वन का एक्सरसाइज सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे। आज हमारा डेट है 14 जुलाई 2020 और चैप्टर का नाम है हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सेम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, इनमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट सेम नहीं है और उस पर क्रॉस कर देना है। तो फर्स्ट लाइन में हम देखते हैं ये हमारा डॉग है, फिर कैट, फिर डॉग, डॉग, डॉग। इसमें हमारा डॉग कितने सारे, 4 डॉग हैं और 1 कैट है, तो ये सेम नहीं है, तो इस पे हम क्रॉस कर देंगे। फिर सेकेंड लाइन में हम देख सकते हैं इग्लू, 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 फिर इसमें हट दिया है, फिर इग्लू दिया है, तो यहाँ पे भी 4 हमारे इग्लू दिए हुए हैं और 1 हट है, तो ये भी सेम नहीं है, तो इस पे भी क्रॉस कर देंगे। ऐसे ही आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन का फिगर देखना है और कौन सा फिगर सेम नहीं है उस पर क्रॉस कर देना है। ये आपका बुक वर्क है और ऐसे ही हमने आपको कॉपी वर्क में भी कुछ फिगर बना के दिए हुए हैं, आपको करना है। आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे फिश, 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 फिर यहाँ पे हमारी कैट है, फिर ये फिश, तो 4 हमारी फिश और 1 कैट है, तो ये भी डिफरेंट हो गया है, तो इस पर भी हम क्रॉस कर देंगे। और ऐसे ही आपके पेरेंट्स आपको कॉपी में ऐसे ही फिगर बना के देंगे और आप जो सेव नहीं होगा उस पर क्रॉस करेंगे। और आपका होमवर्क बुक वर्क और कॉपी वर्क है, आप इसको कंप्लीट करके व्हाट्सएप के ग्रुप पे फोटो क्लिक करके सेंड करिएगा। थैंक यू।